दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की शराब नीति घोटाले मामले में मुसीबतें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और अन्य की 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें मनीष और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 करोड़ की और उनका 11 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी शामिल है। ईडी के इस कदम के बाद आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी इस कार्रवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करेगी, जिसका बचाव करना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है।